लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा, देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। बसंतपुर मुख्य मार्ग पर माधोपुर गांव के समीप ईंट लदी अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से ईंट भट्टे पर कार करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। इस दौरान ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर चालक समेत उस पर सवार दो युवक कूद गए, जिसके फलस्वरूप जान बच गई। हालांकि चलते ट्रैक्टर से कूदने के दौरान चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। जैसे ही सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर ईंट घटना की सूचना मिलते ही मृतक के घर मुजफ्फरपुर में कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर केशव गांव निवासी जहांगीर आलम उर्फ मुन्ना मियां था। वह अंत जातीय विवाह कर दीनदयालपुर स्थित दलित बस्ती में रहता था। मुजफ्फरपुर से 4 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में सिवान आया था। इसके बाद उसने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत चल रहे विद्युतकरण कार्य में मजदूरी का काम शुरू कर दिया था। कोविड-19 की वजह से विद्युतकरण का कार्य ठप होने से उसकी स्थिति खराब हो गई। इसके बाद वह 2 माह से ईंट भट्टे पर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के माधवपुर ग्रामीण बैंक के पास ईंट लदी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी मारी। ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में 2 कूद कर फरार हो गए। वहीं चालक के ऊपर ट्रैक्टर का इंजन पलटी मार दिया, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तरवारा थाना को फोन कर किया तो स्थानीय थाना प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।